हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एज यू नो वी हैव डिस्कसिंग आवर लेसन वन, प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर, पौधे भोजन के उत्पादक। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम क्या क्या जान चुके हैं कि जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पर, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस समझा कि कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में, रूट्स में, स्टेम्स में एंड लीव्स में, जिसको हमारे जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो एनर्जी गेन करने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा स्टार्च है उसको हम जब हम ये एक्सपेरिमेंटली शो करना चाहते हैं कि किसी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बेटा हम वो देख नहीं सकते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत माइक्रोस्कोपिकली होती हैं, तो हम उन सबको सिर्फ टेस्ट करके बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस हुआ है, प्लांट ने स्टार्च बनाया है या नहीं बनाया है, इस बेसिस पे हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च टेस्ट में क्या करते हैं, प्लांट लीव्स को बॉयल वाटर में कुछ मिनट्स के लिए बॉयल किया जाता है, उसके बाद उसे कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है, फिर उसको अल्कोहल सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है, तो जो हमारी ग्रीन लीव्स का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। क्या किया हमने, लीव को लिया, लीव को बॉयल वाटर में डिप किया, उसके बाद वॉश किया कोल्ड वाटर से, उसके बाद हमने क्या किया, अल्कोहल सॉल्यूशन में डिप किया, उसके बाद क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप किया। तो क्या हुआ, जो हमारी लीफ का ग्रीन कलर था स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी टेस्ट का नेम होता है स्टार्च टेस्ट। और स्टार्च टेस्ट को हम यूज़ करके क्या क्या सनलाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए ये प्रूफ कर सकते हैं, क्लोरोफिल इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए ये प्रूफ कर सकते हैं, और स्टार्च भी जो हमारा स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च होता है, ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में वो क्या है, एनर्जी फ्लो इन द नेचर। नेचर में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, जैसे मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि जितना भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे अर्थ पर वो सब हमारे क्या हैं, फूड प्रोड्यूसर हैं। फूड प्रोड्यूसर मीन्स भोजन के उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं, जो फूड बनाते हैं दूसरों के लिए, अपना भी भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, फूड अपने लिए बनाते हैं लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स भी उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। इसलिए जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या हैं, फूड प्रोड्यूसर। और किससे वो फूड बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उनके पास क्लोरोफिल तो होता ही है, तो यही हमने शो किया है। देखिए सनलाइट है, सनलाइट से क्या आ रही है, एनर्जी, एनर्जी फ्लो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी। सनलाइट से इन ग्रीन प्लांट्स को क्या मिल रही है, एनर्जी। इस एनर्जी को वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो इस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस किया, ग्रीन प्लांट्स ने फूड बनाया, फूड किस फॉर्म में बना, स्टार्च की फॉर्म में बना, है ना। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हो रहा होता है, स्टार्च तो बनती ही है, साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन यूज़ कर रहा है, हर्बीवोर्स एनिमल्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं, ठीक है। क्या अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी चली किसके पास आई, ग्रीन प्लांट्स के पास आई, ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, फोटोसिंथेसिस किया तो साथ में उन्होंने फूड बनाया, फूड किसकी फॉर्म में स्टोर किया, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया, और साथ में जब फोटोसिंथेसिस को करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। उस ऑक्सीजन को कौन यूज़ करता है, हर्बीवोर्स एनिमल्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं, ओके। हर्बीवोर्स एनिमल्स तक अब एनर्जी आ गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब हर्बीवोर्स पे जो फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स। क्योंकि कार्निवोर्स क्या कहते हैं, ये बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और छोटे साइज के एनिमल्स को शिकार करके खाते हैं, जैसे कि हमारा लॉयन है। लॉयन किसको खाता है, डियर को, रैबिट को। तो हर्बीवोर्स कौन थे, डियर एंड रैबिट,
और किसने उनको खाया? लॉयन ने। तो लॉयन कैसा हुआ? कार्निवोर्स। तो हर्बीवोरस से एनर्जी अब किसके पास ट्रांसफर हो गई? कार्निवोर्स के पास। अब जब हर्बीवोरस जब तक जिंदा थे तो वो भी वो क्या करते हैं, वो ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग आउट करते हैं, तो हम कौन सी गैस बाहर रिलीज करते हैं बेटा, है ना? आपको पता है हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वो छोड़ते रहे थे साथ साथ में जब तक वो लिविंग थे। जब तक वो हर्बीवोरस एनिमल्स जिंदा थे तो उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते रहे साथ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसने यूज़ की? ग्रीन प्लांट्स ने। किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसी तरह से जो हमारे कार्निवोर्स एनिमल्स ने भी क्या किया, जब तक वो जिंदा थे उन्होंने भी क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, क्योंकि वो भी ब्रीदिंग करते रहते हैं। अब लिविंग बने रहने के लिए सबको ब्रीदिंग करना है, रेस्पिरेशन करना है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन यूटिलाइज कर लेते हैं? प्लांट्स यूज कर लेते हैं। अब देखो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हुए नहीं, कौन दोनों? ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रीन प्लांट्स से क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है एंड ऑक्सीजन मिल रही है। किसको मिल रही है? जितने भी एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हों चाहे वो कार्निवोर्स हों। और रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं? हर्बीवोर्स एनिमल एंड कार्निवोर्स एनिमल बोथ आर गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू द प्लांट्स। जितने भी हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, वो क्या दे रहे हैं प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसमें प्लांट्स उस गैस को किसमें यूज़ करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। अगेन फिर वही प्रोसेस चलती है, फिर से वो स्टार्च बनाते हैं, स्टार्च हर्बीवोर्स यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन हर्बीवोर्स यूज़ कर लेते हैं, कार्निवोर्स यूज़ कर लेते हैं, और बदले में वो हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो ये एनर्जी फ्लो नेचर में कंटिन्यू चलता रहता है। तो समझ आया आपको, जो जितनी भी एनर्जी है सनलाइट से आने वाली, जितनी भी एनर्जी है उनको कौन कैप्चर करता है फर्स्ट स्टेप में? ग्रीन प्लांट्स। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। इस जो चैप्टर का नेम है, जो पूरा चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया, इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट जो टाइटल है चैप्टर का, प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर, कि प्लांट्स ही भोजन के उत्पादक होते हैं। कैसे होते हैं वो अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जितना भी फूड बनाते हैं वो ग्रीन प्लांट्स ही बनाते हैं, और जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब अपना फूड किससे ऑब्टेन करते हैं? ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।